आम आदमी पार्टी द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की नियुक्ति के लिए निकाली गई लिस्ट में हुई धांधली के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो और चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसके खिलाफ सीबीआई जांच की जाए। उन्होंने कहा कि खाली सिलेक्शन लिस्ट कैंसिल करने से कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने इस लिस्ट में धांधली की है, उनके अगेंस्ट इंक्वायरी की जाए, चाहे वो बीजेपी के बड़े लेवल का मंत्री हो, चाहे वो उसका पीएसओ या गार्ड हो, चाहे वो हमारी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा टॉप लेवल का आदमी हो, हम आम आदमी पार्टी की तरफ से डिमांड करते हैं कि इस सब की सीबीआई इंक्वायरी की जाए। जिन लोगों ने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जम्मू कश्मीर में, उन सब लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, ना कि वो गवर्नमेंट की दरियादिली पे मलाई मक्खन खाएं। कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक ऐसी फर्म को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए कहा जो ऑलरेडी दो तीन चार जगह ब्लैकलिस्टेड है, मेरी ट्रैक का नाम ले रहा हूँ मैं, जबकि एन इन्फोटेक कंपनी का लोएस्ट बिड था, उसको सरपास करके मेरी ट्रैक को इसकी कंडक्ट करवाने के लिए कहा गया। इसके अलावा हाई कोर्ट में एन इन्फोटेक ने एक रिट पिटीशन डाली कि हम लोएस्ट बिडर थे, हम लोगों को इन्होंने बाहर कर दिया और मेरी ट्रैक को ऊपर लेके आए। क्या अगर एन इन्फोटेक जो थी वो जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड के मैार पे नहीं ठीक नहीं उतरती थी, तो मेरी ट्रैक को किसकी रिकमेंडेशन पे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? इसके अलावा जो हमारे पास रणवीर प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ पर पिछले 70 साल से पेपर प्रिंट होता है और सभी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। ऐसी कौन सी बड़ी दिक्कत आन पड़ी कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ये जितने पेपर प्रिंट करवाए वो प्राइवेट प्लेयर से करवाए? तीसरी बात ये है, ऐसा कौन सा फार्मूला है कि एक ही घर के 60 से 70 लोग, एक ही घर के सगे भाई बहन, वो कैसे इन पेपरों में क्लियर हो गए? और जो लाइब्रेरी है अखनूर परगवाल साइड में, जिसके 60 से 65 बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ने वाले, वो कौन सा फार्मूला था कि 60 से 65 के सारे बच्चे उसमें क्लियर हो गए एग्ज़ाम में? और इसके अलावा ये लिस्ट है जिसमें पंचायत असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट और जेके पीएससी की, पीएसआई की जो लिस्ट है, ये इसमें कुछ लोगों ने पंचायत असिस्टेंट में नंबर लिए 58, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट में नंबर लिए 54, और 20 दिन के बाद एक एग्ज़ाम होता है जम्मू कश्मीर पीएसआई का, उसमें वो नंबर ले रहा है 140। इन सब के सिलेबस में सिर्फ 20% का फ़र्क है, 80% सिलेबस एक जैसा है। 15 दिन पहले वो एग्ज़ाम देता है, उसके नंबर आते हैं 54 और 15 दिन के बाद 140, वो कौन सा फार्मूला है जो उसने लगाया है? इस तरह से ये पूरी लिस्ट है और ये हम लोगों ने जो डाउनलोड की है जम्मू कश्मीर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट से की। इसके अलावा ये लिस्ट है मेरी ट्रैक की, इसमें ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसमें बॉम्बे यूनिवर्सिटी का ऑर्डर है जिसको ऑनरेबल गवर्नर बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने जिसमें इसको मोहर लगाई है। ये क्या इनको जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड ने इसके बारे में सोचा नहीं कि ये ग्रे कंपनी है जिसको हम इसका ऑर्डर दे रहे हैं? और जिन लोगों ने मेरी ट्रैक को रिकमेंड किया जम्मू कश्मीर में, उन लोगों के बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके अलावा ये लिस्ट है सिबलिंग्स की, जो सगे भाई बहन हैं, जिन लोगों ने सगे भाई बहन, और कितने हैं ये, एक पेज ये है और दूसरा पेज ये है, ये दो पेज की लिस्ट है जो सगे भाई बहन हैं। इसके अलावा कुछ सगे रिश्तेदार हैं जो 5 से 11 लोग हैं, ये भी 6-7 फैमिलीज हैं। इसके अलावा जो लोग इस एग्ज़ाम में क्लियर हुए हैं उनके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट खंगाले जाए, उसमें भी बहुत कुछ निकलेगा। और इसके लिए सीबीआई से बढ़िया कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती, हमें पूरा विश्वास है सीबीआई पे, सीबीआई से बढ़िया कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। और सिर्फ जेके पीएसआई नहीं,
इसके अलावा जो 3-4 एग्जाम हुए हैं जिनकी लिटिगेशन हुई है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, इन सबको दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। बड़े मोटे पैसे दिए गए हैं, कुछ बच्चों से पैसे लिए गए हैं किस लिए, सिर्फ एग्ज़ाम को लीक करने के लिए, और कुछ बच्चों से पैसे लिए गए हैं ग्राउंड और मेडिकल फिट करवाने के लिए। क्या जिन बच्चों ने मेहनत की है क्या वो कसूरवार है कि उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं थे देने के लिए? जो बच्चे हम लोग डिमांड करते हैं कि आप एक महीने के अंदर अंदर ये पूरा एग्ज़ाम द्वारा कंडक्ट कीजिए ताकि जो डिज़र्विंग लोग हैं वो उत्तीर्ण हो और हमें पुलिस फोर्स में बेस्ट ऑफिसर्स मिले आने वाले। देखिए ऐसा है, जिन लोगों ने मेहनत की है वो एक महीने में दोबारा कर सकते हैं, मगर जिन्होंने मेहनत नहीं की है उनका क्या? जिन्होंने पैसा दिया है, बहुत मोटा पैसा दिया है, उनका क्या? क्या हम लोग ग्रे ऑफिसर्स लाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में? क्या बीजेपी और हमारे LG साहब जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं यहाँ पर, और क्या होम मिनिस्टर अमित शाह जी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में डिफंक्ट ऑफिसर आए? आम आदमी पार्टी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी। इन दी फेयरनेस ऑफ द थिंग, अगर एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है, जैसे बैंकिंग करते हैं, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो ऐसी संभावनाएं जो चीटिंग की संभावनाएं हैं या लीकेज की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। तो आम आदमी पार्टी की ये भी रिकमेंडेशन है कि इसको खारिज करके लिस्ट को ऑनलाइन एग्जाम जल्दी से जल्दी कराया जाए ताकि मेरिटोरियस स्टूडेंट फर्दर सफर ना करें। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन Facebook डू फॉलो आवर Facebook पेज।